हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, आज का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप सही समझे, आज हम छाती में बलगम का इलाज। अगर किसी के छाती में बलगम जम गया हो, उसके उस छाती के बलगम की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, उसे सही करने का इलाज जानते हैं इस वीडियो में। कौन सी टैबलेट से यह सही होगा, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं नरेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नमो फार्मेसी। तो दोस्तों, आज हम आपको जो छाती में बलगम होता है, वह अगर किसी के जम जाता है, कई दिनों से निकल नहीं रहा है, उसके इलाज के बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि यह छाती में बलगम होने वाला किस वजह से होता है, किस तरह से निकलता है, कौन सी टैबलेट से निकलता है, कितनी बार लेने से निकलता है। कंप्लीट वीडियो इस वीडियो इज कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जो भी मेडिकल स्टूडेंट है, जो भी मेडिसिन से रिलेटेड जानकारियां रखते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट, नर्सिंग होम या फिर जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए यह चैनल है। उनको यह जानकारी अच्छे से, उनकी जानकारी मिल सकेगी, उनको अच्छे से उनके डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे कि जो छाती में बलगम जम जाता है उसे किस टैबलेट से क्लियर किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर छाती में बलगम जम जाता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो सांस फूलने जैसा महसूस होता है अगर छाती में बलगम जम गया है। दूसरा है, नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है। तीसरा है, नाक से पानी आता है, बहुत ज्यादा नाक से पानी आता है, रुकता ही नहीं है। यह भी प्रॉब्लम अगर छाती में बलगम जम जाता है तो इसकी वजह से होता है। चौथा है, बार बार गला साफ करना पड़ता है, यानी बार बार गले को खर खर के करके साफ करना पड़ता है। चौथा है, पांचवा है, गीली खांसी। अगर किसी के बलगम हो रहा है तो बहुत ज्यादा गीली खांसी होती है, यानी उनकी बलगम में कफ निकलता है। छठा है, नाक बंद हो जाता है, यानी अगर किसी के छाती में बलगम होता है तो उसे ये चीजें महसूस करनी पड़ती है, ये चीजें उसे प्रॉब्लम होती है। अब जानते हैं इसका क्या इलाज है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम टेबलेट बता रहे हैं आपको, पल्मो के लिए टेबलेट। यह टेबलेट क्या काम में आती, कौन सी कंपनी की है? तो फ्रेंड्स, यह फोर्टस इंडिया लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। एमआरपी की अगर बात करें पल्मो के लिए टेबलेट की, तो 138 रुपए की 15 टेबलेट आपको यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर, जहां पे एलोपैथिक मेडिसिन मिलती है, वहां पे मिल जाएगी, या फिर जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो आपको यह टैबलेट उसके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। या फिर कहें कि अगर आपके छाती में बलगम जम गया है तो आप जिस भी मेडिकल स्टोर से पल्मो के लिए टैबलेट के लिए कहेंगे, वो आपको मंगवा के भी दे सकता है, अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है तो, या फिर अवेलेबल रही तो यह वह आपको दे देगा। तो जानते हैं पल्मो के लिए टैबलेट में कंपोजिशन क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें एसिब्रोफाइलिन 100 mg है और एसिटासिटिन 600 mg इस पल्मो के लिए टैबलेट में मिला हुआ है, यानी 700 mg की यह टैबलेट कंप्लीटली बनी हुई है। अब जानते हैं पल्मो के लिए किस कंडीशन में देते हैं, यानी क्या होने पे यह टैबलेट दी जाती है। जैसे बलगम अगर जम गया हो उस कंडीशन में तो देते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया। और अगर किसी के यह 6 प्रॉब्लम हो रही है उस कंडीशन में भी है पल्मो के लिए टैबलेट रिकमेंडेड की जाती है। उसी के साथ में अगर ये 6 सिम्टम होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अगर किसी के अस्थमा हो गया हो उस कंडीशन में यह पल्मो के लिए टैबलेट डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड की जाती है। और यह अस्थमा के ही सिम्टम है, यह छठो सिम्टम जो हमने पहले बताए, यह अस्थमा के ही सिम्टम है जो आपको पल्मो के लिए टैबलेट से सही होंगे। इसी के साथ में अगर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, यानी COPD अगर किसी को हो रही हो, उस कंडीशन में भी पल्मो के लिए टैबलेट रिकमेंडेड की जाती है, यानी ले सकते हैं। अगर किसी के कफिंग हो रहा हो, वीजिंग हो रहा हो, ब्रेथिंग हो रहा हो, उस कंडीशन में भी पल्मो के लिए टैबलेट रिकमेंडेड की जाती है, यानी इसके बहुत ज्यादा उपयोग हमने आपको बता दिया। इन किसी भी सिम्टम में से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो पल्मो के लिए टैबलेट ले सकते हैं। इसके बारे में आपने सभी ने जान लिया कि क्या क्या होने पे लेना है।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने बता दिया कि यह टैबलेट लेनी है, लेकिन डोज क्या है, कब लेनी है, वह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो डोज की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी एक से लेकर दो टैबलेट तक पर डे एज पर डॉक्टर रिकमेंडेड, यानी डॉक्टर आपके कितनी प्रॉब्लम हो रही है, आपके कितना कफ है, आपके कितना अस्थमा है, उस हिसाब से आपको रिकमेंडेड करेगा। यानी अगर आपको नॉर्मल है तो रात को नाइट में एक टैबलेट दी जाती है, अगर आपके बहुत ज्यादा अस्थमा है, सीओपीडी है, कफिंग है, बलगम बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को भी सलाह दी जाती है। आपको कितनी प्रॉब्लम है वह आप हमें कमेंट करके बताएं, या फिर जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ उस पे भी आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि आपको कितनी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से भी हम आपको डोज बता देंगे। आपकी एज के हिसाब से भी इसकी डोज डिसाइड की जाती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट की, कि पल्मों के लिए टैबलेट को लेने से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। यह टेम्परेरी साइड इफेक्ट है जो सभी को नहीं होता, बहुत कम लोगों को होता है, फिर भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हेड पेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग हो सकती है, रैशेस जैसी प्रॉब्लम पल्मों के लिए टैबलेट को लेने से कुछ पेशेंट को देखने को मिली है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो वह अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, अगर उन्हें इस तरीके की कोई टैबलेट नहीं दी गई हो, इस तरीके का कोई और इलाज नहीं चल रहा है, तो वह अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले कि उन्हें पल्मों के लिए टैबलेट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। साथ ही अगर किसी के लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, तो उस पेशेंट को भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि डॉक्टर साहब उन्हें पल्मों के लिए टैबलेट सही रहेगी या नहीं रहेगी, तो डॉक्टर उन्हें सही सलाह, सही एडवाइस दे देंगे। या फिर आप हमें भी कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। पल्मों के लिए टैबलेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी जानकारी अगर आपको और रह गई है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पे कॉल करके या फिर उससे बात करके भी हमसे पूछ सकते हैं। इस टैबलेट को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। कोई भी जानकारी, कोई भी मेडिसिन आपको परचेज करनी हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कनेक्ट होके मंगवा सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिन्हें भी इस मौसम में छाती में बलगम जम गया हो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, छाती में बलगम जमना बहुत ही आसान है। बार बार छाती में बलगम जम रहा है, सही नहीं होता है, तो यह वीडियो उन्हें जरूर से शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत।